माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, दीक्षित क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक है ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पार्ट 2। चैप्टर 1 का जो पार्ट 1 है वो माने एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, वो वीडियो हो चुका है और आप लोग देख चुके हैं, और ये है पार्ट 2 वर्क्स ऑफ रिवर। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निक पॉइंट ऑफ ए रिवर इज सीन इन द केस ऑफ वाटरफॉल्स। नंबर 2, अलुवियल कोन्स आर फॉर्म इन द रिवर्स इन द ट्रांजिशन बिटवीन अपर एंड मिडिल कोर्स, माने अपर और मिडिल कोर्स दोनों। नंबर 3, द रिवर वैली क्रिएटेड इन द ड्राई रीजन ड्यू टू डाउन कटिंग ऑफ सॉफ्ट रॉक्स आर कॉल्ड कैनियंस। नंबर 4, द स्टेप्स फॉर्म ऑन द साइड्स ऑफ रिवर इन केस ऑफ रेजुमिनेशन ऑफ द लैंडस्केप रिवर टेरेसेस। नंबर 5, द वेरी डीप एंड नैरो, डीप मतलब गहरा, नैरो माने कम चौड़ा, वी शेप्ड वैलीज आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, गॉर्ज, जॉर्ज नहीं पढ़ेंगे, गॉर्ज। फिर नंबर 6, स्मॉल रिवर्स दैट मीट द मेन रिवर आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरी। अगर कई सारी छोटी छोटी नदियां अगर बड़ी नदी में जाके मिलती हैं तो उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। नंबर 7, द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया अमेजोन बेसिन। नंबर 8, द यूनिट ऑफ मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ सर्टेन पार्ट ऑफ अ रिवर इज सेड टू बी 1 क्यूसेक व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू इज, क्या कहते हैं उसको, 1 क्यूबिक फुट। नंबर 9, द लार्जेस्ट रिवराइन आईलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज मजुली। 10, द सैल्टेशन प्रोसेस ऑफ ए रिवर लीड्स टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, माने जो भी इरोडेड मटेरियल्स है उसको ट्रांसपोर्ट करना, ढो के ले जाना। नंबर 11, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स इट्स कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस बाय हाउ मेनी टाइम्स, 64। अगर किसी नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो वो जो भी इरोडेड मटेरियल्स है उसको ढो के ले जाने की उसकी क्षमता 64 गुना बढ़ जाती है, अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो। द वाटरफॉल्स ऑफ द स्मॉलर डायमेंशन आर कॉल्ड रैपिड्स। 13 नंबर, द डेल्टा एट द माउथ ऑफ रिवर नाइल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप, माने शेप के आधार पे उसको कहते हैं अर्कवेट डेल्टा। 14, द सेडिमेंट डिपोजिशंस ऑन द कॉन्वेक्स साइड ऑफ ए मेंडल आर कॉल्ड पॉइंट बार। 15 नंबर है, बर्ड्स फुट माने चिड़िया के पैर के शेप का अगर डेल्टा है इज सीन एट द माउथ ऑफ रिवर मिसिसिपी मिसौरी। 16 नंबर, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे लंबी नदी नाइल। 17, द मेन इरोजनल प्रोसेस ऑफ रिवर ओवर साल्ट डोमिनेटेड रॉक, अगर कोई ऐसा रॉक है जहाँ पे मतलब वो नमक वाला पोर्शन ज्यादा है तो इरोजनल का कौन सा प्रोसेस होगा, सोल्यूशन, क्योंकि वो नमक वाला मिट्टी पानी में घुल जाता है। 18 नंबर, द यूनिट ऑफ वाटर फ्लो इज क्यूसेक। नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लैंडफॉर्म डेवलप बाई ए रिवर डाउनवर्ड कटिंग इज डोमिनेटेड, यूथ स्टेज, माने नदी जब एकदम स्टार्टिंग स्टेज में होता है। 20 नंबर, विच लैंडफॉर्म इज क्रिएटेड बाई ए रिवर, हिस्पर। 21, द लार्जेस्ट रिवर आईलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज मजुली। 22, अ डीप गॉर्ज फॉर्म बाई ए रिवर इन द एरिड रीजन, एरिड रीजन माने डेजर्ट रीजन, इज कॉल्ड कैनियन। उसके बाद फिर 23 नंबर है, द मेन एक्टिविटी ऑफ अ रिवर इन द लोअर कोर्स इज डिपोजिशन, लोअर कोर्स मतलब नदी जब समुद्र में जाके मिलती है तो वहां पे डिपोजिशन ज्यादा होता है। 24 नंबर है, स्मॉल रिवर्स ज्वाइनिंग अ मेन रिवर इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरी, ये शायद पीछे ऊपर भी आ गया है। 25 नंबर, द मेन वर्क ऑफ ए रिवर इन द अपर एंड मिडल कोर्स इज बोथ, दोनों होता है, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन। 26 नंबर, इन कोर्स ऑफ ए रिवर फ्लड प्लेन एंड नेचुरल लवी आर फाउंड, कहाँ पे पाया जाता है, लोअर कोर्स में, लोअर कोर्स मतलब डेल्टाइक कोर्स, जहाँ पे नदी
डेल्टा बनाती है और समुद्र में मिल जाती है। 27 नंबर, मेजर एस्टुअरीज ऑकर इन इंडिया। इंडिया में माने मुख्य एस्टुअरीज किस जगह पे होती है? बे ऑफ बंगाल। 28, ऑल द लैंड ड्रेन्ड बाय अ रिवर इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज इज कॉल्ड रिवर बेसिन। 29, इफ वर्टिकल कोरेशन ऑफ ए रिवर इंक्रीजेस द वैली बिकेम डीप। अगर वर्टिकल इरोजन अगर बढ़ाएंगे, मतलब जो नदी अपने फ्लोर को काटती है, तो नदी की गहराई बढ़ेगी। 30 नंबर, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज फाउंड एट द माउथ ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा सुंदरबन। द हायर लैंड बिटवीन टू रिवर इन द सेम डेनिस पैटर्न इज कॉल्ड इंटरफ्लूड। डेनिस सिस्टम है, सिस्टम पैटर्न जो भी है। नंबर 32, द प्रोसेस बाई विच वाटर ऑफ रिवर्स लेक्स ओसेन तीनों का दिया है टर्न इन टू वाटर वेपर ड्यू टू हीट, उसको कहते हैं इवेपरेशन। 33 नंबर, वाटरफॉल इज फाउंड इन रिवर्स यूथफुल स्टेज या यूथ स्टेज जो भी। 34 नंबर है, अ रिवर इज द पार्ट ऑफ डेथ साइकिल हाइड्रोलॉजिकल। 35, द रिवर अटेंड्स वाटर फ्रॉम रेन एंड स्नो, मतलब नदी में पानी कहाँ से आता है? बारिश से और स्नो मेल्ट जो बर्फ पिघलता है। 36 नंबर, कैरिंग एंड रिमूविंग ऑफ लूज बेड रॉक्स बाय रनिंग वाटर ऑफ ए रिवर इज नोन एज हाइड्रोलिक एक्शन। नंबर 37, द प्रोसेस ऑफ इरोजन बाय कोलिशन बिटवीन फ्लोइंग रॉक्स एंड द रिवर बेड एंड वॉल्स, मतलब नदी का बेड भी माने द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द रिवर और ये नदी का दीवार माने दोनों किनारा, क्या कहते हैं उसको, साल्टेशन। नंबर 38, इरोजन ऑफ मटेरियल्स बाय डिजॉल्विंग इन रिवर वाटर इज कॉल्ड सोल्यूशन। नंबर 39, वेयरिंग डाउन ऑफ रॉक मटेरियल्स बाय कोलिशन अगेंस्ट ईच अदर इज नोन एज एट्रिशन। नंबर 40, लार्ज रॉक्स एंड पेबल्स, पेबल्स मतलब वो छोटे छोटे पत्थर नदी में आप लोग देखे होंगे, आर ड्रैग्ड बाय रिवर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रैक्शन कहते हैं उसको। 41 नंबर है, रॉक फ्रेगमेंट्स मतलब बहुत बड़े चट्टान का छोटा टुकड़ा, फ्रेगमेंट माने टुकड़ा, मूव डाउन स्ट्रीम मतलब नदी के धारा के साथ बाय जंपिंग कंटिन्यूसली बाय द प्रोसेस ऑफ साल्टेशन। 42 नंबर, रॉक फ्रेगमेंट्स रिमेन सस्पेंडेड एट द फ्लो डाउन बाय सस्पेंशन, सोल्युबल पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय सोल्यूशन। 44 नंबर है, द बिगनिंग ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड या वर्जिन ऑफ द रिवर इज कॉल्ड सोर्स ऑफ रिवर, जहां से नदी पैदा होती है, उत्पन्न होती है। द पथ ऑफ द रिवर इज कॉल्ड कोर्स, मतलब पथ मतलब जहां से नदी जो सोर्स से लेकर के माउथ तक की जो यात्रा होती है उसको कोर्स कहते हैं। स्मॉल स्ट्रीम्स दैट फ्लो आउट ऑफ द रिवर मेन रिवर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी, अगर बड़ी नदी है उससे अगर कई सारी स्ट्रीम निकल रही हैं तो उन सारे स्ट्रीम्स को डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको समझ लेना होगा कि छोटी छोटी नदी जा करके अगर बड़ी नदी में मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी, लेकिन अगर बड़ी नदी से कई सारी छोटी नदी निकलती हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी। 47 नंबर है, टू रिवर्स मीट एट कन्फ्लुएंस, संगम कहते हैं। 48, अ लैंडफॉर्म ऑफ द अपर कोर्स ऑफ द रिवर कैनियन, पोर्ट होल्स इज क्रिएटेड इन द डेस्ट कोर्स ऑफ द रिवर अपर कोर्स, नेचुरल लवे आर फॉर्म इन डेस्ट कोर्स ऑफ रिवर लोअर कोर्स, सैंड बार्स एंड डेल्टास आर फॉर्म इन डेस्ट कोर्स ऑफ रिवर, ये भी लोअर। 52, मटेरियल्स डिपोजिटेड बाय रिवर आर कॉल्ड अलुवियम। 53 नंबर है, हाउ मच ऑफ द लैंडफॉर्म फॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क्स ऑफ रिवर, 70%। हु नेम्ड द लैंडफॉर्म डेल्टा फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम डेल्टा नाम किसने दिया था, हेरोडोटस। 55 नंबर है, Which instrument is used to measure the water current of a river? किसी नदी के water current को measure करने का जो instrument है उसको कहते हैं current meter। Number 56, an example of water divide in India, Western Ghat। 57, the delta of river look like teeth of saw। saw माने वो होता है क्या उसको बोलते हैं जो लकड़ी काटने का आरा,
उसका जो दांत होता है जहां से कटती है लकड़ी, इस टाइप का डेल्टा किस नदी में पाया जाता है? टाइबर, टाइबर नदी ये इटाली में है, इटाली का जो कैपिटल है रोम इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। पोर्टहोल्स आर क्रिएटेड इन द रिवर चैनल ड्यू टू अब्रेशन। 59, कैन्योन आर क्रिएटेड ड्यू टू ऑफ रिवर, किस नदी माने कैन्योन कहाँ पे क्रिएट होता है, किस तरह से, इरोजन। फिर 60 नंबर, द मजुली आइलैंड इज लोकेटेड इन द रिवर ब्रह्मपुत्र। 61, द डिप्रेशन क्रिएटेड एट द बेस ऑफ वाटरफॉल आर कॉल्ड प्लंज पूल्स। 62, द वाटर फ्लोइंग थ्रू अ रिवर चैनल इज मेजर्ड इन क्यूसेक। 63, द इरोजनल वर्क ऑफ द रिवर्स डिपेंड ऑन ऑल द एबव, माने इन सब पे। चैनल इनग्रेडियंट, चैनल इनग्रेडियंट मतलब होता है नदी का जो चैनल ग्रेडियंट, चैनल माने नदी का प्रवाह और ग्रेडियंट माने वो झुकाव, मतलब नदी जो बहती है अगर वो ऊपर से नीचे आ रही है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना इरोजन होगा। वेलोसिटी माने नदी का वेग और रिवर लोड मतलब नद भार उसको बोलते हैं हिंदी में, नदी का भार, इन सारे के ऊपर डिपेंड करता है इरोजनल वर्क। 64 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ लूजेंट मटेरियल्स ऑफ रॉक ऑफ वैली वॉल्स वैली फ्लोर, दोनों दिया है, वैली वॉल वैली फ्लोर मतलब नदी घाटी का जो फ्लोर है वो और जो उसके किनारा है, विद द हेल्प ऑफ द इरोजनल टूल्स, उसको कहते हैं अब्रेशन या तो फिर कोरेशन, दोनों सही माने दोनों एक ही ये है, चाहे जो लिखेंगे ऑप्शन में जो दिया होगा उसको आप टिक करेंगे, चाहे अब्रेशन हो या कोरेशन। 65 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिकल टीयर एंड वियर ऑफ द इरोजनल टूल्स इन देमसेल्फ, एट्रिशन। 66, द लेवल एट विच अ रिवर कंप्लीटली स्टॉप्स इरोजनल वर्क, जहां पे इरोजनल वर्क नदी पूरी तरह से बंद कर देती है इज कॉल्ड बेस लेवल। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी डिफाइंड एज वर्टिकल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ इनर्मस मीन्स वेरी ह्यूज वॉल्यूम फ्रॉम अ ग्रेट हाइट इन द लॉन्ग प्रोफाइल ऑफ ए रिवर, वाटरफॉल कहते हैं। अल्टरनेट बैंड्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट, दोनों को अल्टर करके बोल रहा है, गिव बर्थ टू अ सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेप लाइक फॉल, क्या कहते हैं उसको, कैस्केड्स। नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द बेंड्स इन द लॉन्गिट्यूडनल कोर्सेस ऑफ द रिवर्स, रिवर मेंडर्स। 70 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ बोथ इरोजन एंड डिपोजिशन, मेंडर। और 71 नंबर है, द डिपोजिशनल फीचर्स एट द फुट हिल ऑफ द हिमालयस आर कॉल्ड भावर या भावर जो भी। 72 नंबर, विच ऑफ द डेल्टास आर फॉर्म व्हेन द रिवर वाटर इज एज डेंस एज सी वाटर, नदी का पानी माने उतना ज्यादा डेंसिटी वाला है जितना समुद्र का अगर है तो किस टाइप का डेल्टा बनता है, अर्कवेट डेल्टा। एंड 73, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी वही है, अर्कवेट डेल्टा। ग्रैंड कैन्यन इन यूनाइटेड स्टेट इज द वर्क ऑफ रिवर कोलोराडो। एंड नंबर लास्ट, अ फॉल लाइन इज अ चेन ऑफ वाटरफॉल। आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए और हम बहुत जल्द मिलेंगे, अब उतना ज़रा देर नहीं होगा, तब तक आप वीडियो देखिए और हम अगली वीडियो लेके बहुत जल्द मिलेंगे।